समर्पित हूँ। आज स्वाधीनता दिवस है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगस्त 15 हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस दिन हम भारत को तो राष्ट्र पद मानते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह आजादी इतने आसानी से नहीं मिला। कितने भारतीयों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस आदि वीरों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जय राजगुरु, बाजीराव आदि वीरों ने अपना शहीद हो गए वो देश के लिए। उनमें से सबसे छोटे देशभक्त बाजीराव वो उड़ीसा के ढेंकनाल जिला के इलकटपुर गांव में रहते हैं। वो न सिर्फ 12 साल के थे, देश के लिए शहीद हुए थे। अब आप लोग जरा सोचिए, उस समय तो एक बच्चा खेलकूद करता है 12 साल में, तो वो देश के लिए शहीद हुए थे। तो वो ना बचपन से उनको एक सवाल आता कि देश में क्या चल रहा है। बोले एक मौका मिल जाए तो अंग्रेजों को इस देश से भगा दूंगा। उस समय ना प्रजा मंडल का आंदोलन चल रहा था ओडिशा में। प्रजा मेली में बाजीराव भी शामिल थे। एक दिन ब्राह्मण नदी को पार करने का बारी था बाजीराव का। तो वो उस समय रात को बहुत अंधेरा रात था और बारिश हो रहा था। तो बिना डरकर बाजीराव वो नाव में बैठे थे अंधेरे रात के बारिश में। अंग्रेजों ढूंढ रहे थे मसाल लेकर प्रजा मंडल को। तो बाजीराव ने देखा तो वो शंखनाद किया बहुत जोर से प्रजा, ताकि प्रजा मंडल ना भाग जाए वहां से। तो बच्चे, तो अंग्रेजों बोले कि ए बच्चे हमको नदी पार कर दो। तो बोले नहीं। बोले ए बच्चे नदी पार कर दो हमको। बोले नहीं, तुम मेरी जान क्यों ना ले लो, हमारे गांव की मिट्टी पर तुमको पांव रखने नहीं दूंगा। तो ऐसे कहकर वो बीच नदी पर चले गए। अंग्रेजों उसके ऊपर गुस्सा होकर उसके ऊपर गोली चला दिया। तो बाजीराव बहुत भारी टल पड़े। हमारे देश के लिए वो देशभक्त वहीं पर ही शहीद हो गए। बाजीराव छोटे थे पर उनका इरादा बहुत बड़ा था। तो हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी दायित्व है कि हम भी अपने देश को सबसे ऊंचाई तक ले जाने का। तो मैं यही बोलता हूँ, जय हिंद भारत माता की जय। ये इंडिपेंडेंस डे पर मैं कुछ कहा या आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद भारत।